जो भी कहते हैं ना कि महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक और महिलाएं इस संसार की जननी है, और कहते हैं जो काम औरत कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, और कहते हैं जब रामायण होती है तो वही महिला लिखवाती है, और महाभारत होती है वही महिला लिखवाती है। और ऐसी महिला शक्ति जो कि आप सब यहाँ पर बैठी हो, मैं तहे दिल से आप सबको इस हरियाली तीज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो भी त्यौहार होता है व्रत, कोई तो पति के लिए रखती है, कई बच्चों के लिए रखती है, पर अपने लिए कुछ एक भी व्रत नहीं होता, अपने लिए कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। तो यही सोचा कि भी तीज का त्यौहार ऐसा है जो हमारा अपना है, और आप सब महिलाएं रात दिन काम में लगी रहती हो, रात दिन सुबह से शाम तक, लेकिन जब मिल करके किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा आनंद आता है। जैसे अभी मेरे से पहले मैंने भजन गाया, तो उस भजन में भगवान श्री श्याम श्री कृष्ण जी का जो इन्होंने ठाकुर का भजन गाया, उसे मैं देख रही थी, हर कोई लीन हो रहा था। और कहते हैं ना जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत हो वो भगवान के नाम से करनी चाहिए, और हम तो यहाँ माता सम्राठा देवी उनके चरणों बैठे हैं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, और आज मिल करके इस चीज का आनंद उठाएंगे। अभी हमने गीतों के माध्यम से भी, भजनों के माध्यम से, और कुछ सावन के गीत जो कि कहते हैं ना बड़ा स्पेशल होते हैं, और हमने यहाँ पर इन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने ये मोर्चे का भी, महिला मोर्चे का भी, और सभी हमारे चेयरमैन BDC मेंबर सतबीर जी, रिंकू जी, और सरपंच साहब दिलीप जी, और BDC मेंबर जितने बैठे हैं सबका बहुत बहुत, अपने जो मंडल अध्यक्ष भी हमारे मदन जी, और पूरी टीम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि व्यवस्था बहुत सुंदर भी है। एक बार इन सबके लिए तालियां बजाऊंगी, क्योंकि आपसे ही कहते हैं माहौल होना चाहिए ना हर चीज़ का, मीटिंग का माहौल अलग होता है और कार्यक्रम का अलग होता है। मेरे को भी जब आई तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देती हूँ कि यदि ये इस तरह व्यवस्था नहीं बनाते तो हमें लगता नहीं कि तीज का कार्यक्रम है। तो आज ये तीज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब मिल करके तीज बहुत अच्छा मनाएंगे और आगे के काम के लिए बड़ा चुस्त होकर के जाएंगे। और इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत इस हरियाली तीज पर शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।